प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आपको जेई मेन का गाइडलाइंस देने जा रहा हूँ। खासकर ये गाइडलाइंस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स आज की डेट में उनको ये फील होता है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी भी नहीं है ना बहुत खराब है। नहीं खराब है, मतलब वो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी 135, 150, 160 इस तरह के मार्क्स में के स्पेस पे बैठे हुए हैं आउट ऑफ 360। और ऐसे बच्चे जो कि अभी बोर्ड का पेपर देकर के जस्ट फ्री हो रहे हैं आज, क्योंकि आज केमिस्ट्री का पेपर रहा है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेसिफिक गाइडलाइंस दे रहा हूं। आप ये मान के चलिए कि आप जैसे स्टूडेंट्स जो हैं ये चाहें तो 7 दिनों में अपने स्कोर को 210, 220, 230 तक भी लेके जा सकते हैं। बस आपको माइंड को प्रॉपर कंसंट्रेट करके हार्ड वर्क की जरूरत है। अब हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है, क्योंकि अब 7-8 दिन ही रह गया है, तो मैं ये कहूंगा कि एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में सोइए आप 7-8 घंटे। सोना तो जरूरी है, 7 घंटे से कम नहीं सोना आप, नहीं तो दिमाग काम ही नहीं करेगा। और 1-2 घंटे में जो नित्य कर्म है, डेली रूटीन के काम है, वो खत्म कीजिए। और कम से कम आप 14-15 आवर्स पर डे को अप्लाई कीजिए। आगे जो भी दिन 6-7-8 दिन है आपके पास, 7 दिन के आसपास है, क्योंकि आज सैटरडे तो हो ही गया है, और 2 अप्रैल जो है नेक्स्ट संडे है, और उसमें आपका पेपर आ जाएगा। तो एक रूटीन बनाने की, मैं डेली 15 घंटे की पढ़ाई कम से कम करूंगा। पहली बात तो ये हो गई, कम से कम की बात कर रहा हूं, 15-16 घंटे इतना करूंगा, राइट। अब आगे बात क्या आती है, अब आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि क्लास 12 से का बोर्ड का पेपर आज के आज खत्म हुआ है, क्लास 12 का पूरा सिलेबस आपके दिमाग में फिट होगा। वो तो आप कई बार कर चुके हैं, तीनों का ही, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। आपका कंसर्न पॉइंट क्या होगा, क्लास 11th, राइट। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि सपोज मैं शुरुआत करता हूं, तो मैं एक दिन में 15 घंटे यदि पढ़ रहा हूं, तो 15 घंटे का 75% टाइम मैं क्लास 11th के सिलेबस पे लगाऊंगा, और उस 15 घंटे का 25% टाइम क्लास 12th के ऊपर लगाऊंगा, ताकि ऐसा ना हो कि क्लास 12th का सिलेबस मेरे दिमाग से या उसके प्रैक्टिस ना हो पाए, और वहां पे 12th के पेपर में जो 12th का जो सिलेबस का जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें मैं बैकफुट पे ना आ जाऊं। तो मतलब हो गया कि 15 घंटे में से आप मान के चलें कि 75% टाइम आप पूरे 11th पे फोकस कीजिए, 25% का टाइम आप क्लास 12th के सिलेबस के ऊपर फोकस कीजिए। अब क्लास 11th के सिलेबस में पहले कौन सा सिलेबस को फोकस किया जाए, आप उस सिलेबस पे ज्यादा फोकस करें जिस सिलेबस में ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि जिस सिलेबस पे आप कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी कम कॉन्फिडेंस है, या उसको आपने पहले इतना तैयार नहीं कर पाए थे, तो आप ये मान के चलेंगे 6-7 दिन में यदि उस पे आपने एफर्ट भी लगा दिया तो कोई खास आउटपुट नहीं आना है। आउटपुट तो उसी सिलेबस से आपका आना है जिस सिलेबस के ऊपर आपने अच्छे से तैयारी पहले से कर रखी है। तो क्लास 11th के उस सिलेबस के ऊपर पहले वर्कआउट करें जो कि आपने पहले अच्छे से कर रखा है, जिसके ऊपर आपका पहले कॉन्फिडेंस है, जिसके ऊपर बेटर कॉन्फिडेंस है, जिस सब्जेक्ट में आप बेटर फील करते हैं। और इन जनरल मैं बता दूं कि केमिस्ट्री में बच्चे ज्यादा बेटर फील करते हैं, फिर इसके बाद फिजिक्स और मैथ्स में डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, या ये भी हो सकता है कि फिजिक्स में कुछ टॉपिक को लेकर के ज्यादा बेटर फील करते हैं और कुछ टॉपिक को लेकर के वो ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं। मैथ्स में इसी तरह से कुछ टॉपिक को लेकर के आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और कुछ टॉपिक को लेकर के कॉन्फिडेंस इतना नहीं है। तो आप सबसे पहले क्लास 11th का वो सारा सिलेबस आप कंप्लीट करें जिसके ऊपर आपका बेटर कॉन्फिडेंस है, राइट। तो ये बात ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि उसको कैसे काम करें, उसको कैसे फिनिश करें जी। तो मैं आपको यही कहूंगा कि उस सिलेबस का जो आपका क्लास 11th का है उसमें फटाफट चैप्टर को रिवाइज कीजिए, की कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए, और उस चैप्टर का आप 15 से 20 क्वेश्चन जो जेई मेन लेवल के अच्छे क्वेश्चन है उसे आप जो पहले आपने कर रखा था, जो आपको अच्छा लगा था कि यहाँ बहुत अच्छे प्रॉब्लम है, तो वो 15-20 क्वेश्चन को 15 क्वेश्चन के आसपास टाइम फ्रेम के अंदर आप उसे सॉल्व कीजिए, आप उसके ऊपर वर्कआउट कर लीजिए। और वो 15 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को कवर कर, ये नहीं कि 15 क्वेश्चन केवल एक ही सिंगल कॉन्सेप्ट के ऊपर आपने कर लिया है, ऐसा नहीं करना है आपको। पहले तो चैप्टर को रिवाइज करना है बाय रिवाइजिंग द की कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूले, ये नहीं कि एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए 2-3 घंटे नहीं लगा देना आप,
एक चैप्टर के ऊपर की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर केवल रिवाइज करना है, फॉर्मूले को रिवाइज करनी है, और एक चैप्टर के ऊपर एक टाइम फ्रेम दे कि भाई कि मुझे एक घंटे के अंदर उस चैप्टर को फिनिश करना है, और उस चैप्टर का फिर 15 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे 15 क्वेश्चन को आप उसके ऊपर वर्कआउट कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा यदि आप टाइम लगाएंगे तो फिर और दूसरे चैप्टर आ जाएंगे आपके। मतलब एक चैप्टर के ऊपर ऑन एन एवरेज 2 घंटे से 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, जिसमें से हाफ टाइम आप लगाइए की कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉर्मूले के रिवीजन के ऊपर ज्यादा, बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम उस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के ऊपर लगाइए, राइट। तो ये आप काम करेंगे तो आप बेटर वे में तैयारी कर पाएंगे, और इस टाइम इसको ध्यान में रखते हुए अगले तीन दिनों में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का क्लास 11th के सिलेबस को, जिसके ऊपर आपका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, उसको आप फिनिश करें एज सून एज पॉसिबल। बाकी जो आपको मैंने बताया कि 25% जो टाइम आपको देना है वो क्लास 12th के ऊपर प्रैक्टिस के ऊपर देना है, केवल उस पर क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करें विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम। तो ये बात आप ध्यान में रखें। तो इस तरीके से अगले 3 दिनों में आप लेके चलें कि आपने क्लास 12th का सिलेबस तो आपके हाथ में पहले से अच्छा था ही, और क्लास 11th के सिलेबस को भी आपने थॉरली, आपने एक तरह से जो कॉन्फिडेंस वाला था वो आपने खत्म कर लिया है। अब ये करने के बाद आपके पास रह जाएंगे 3 से 4 दिन। अब अगले 3 दिनों के बाद अगले 2 दिनों के लिए केवल पेपर की प्रैक्टिस करें, केवल क्वेश्चन पेपर जो 90 क्वेश्चंस का जो होता है आपका, उसको पेपर को प्रैक्टिस कीजिए जितना आपको हर रोज 3-3 पेपर, 4-4 पेपर, कम से कम 4 से 5, 4 पेपर तो कम से कम आप प्रैक्टिस करें ही करें। और उसमें जो प्रैक्टिस करते हुए आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको 90 क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है, आपको उन्हीं क्वेश्चंस पे ध्यान देना है जो कि आपके एक कॉन्फिडेंस में है। मतलब मान के चलें कि 90 क्वेश्चन मेरे पास है, 90 क्वेश्चन में मेरी तैयारी जो है सिलेबस के हिसाब से करीबन जो 80 क्वेश्चन की है, तो वही आपका पेपर 90 क्वेश्चन का नहीं है, 80 क्वेश्चन का है, क्योंकि जो सिलेबस आपने अच्छे से नहीं करा उसको मैं स्ट्रेट वे कहूंगा कि अभी उसे आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि यदि उस सिलेबस पे आपने फोकस कर दिया तब तो आपके लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है। यदि जो सिलेबस आपने आज तक कराई नहीं, जिसके ऊपर बहुत ही कम कॉन्फिडेंस है, यदि टाइम मिले तो कर सकते हो, नहीं टाइम है इतना ज्यादा तो मैं बेटर ये कहूंगा कि उस सिलेबस के ऊपर आप उसे कॉन्सेप्ट्स केवल आप चाहें तो उसे रिवाइज करके छोटे मोटे प्रॉब्लम जो उससे यदि आ जाए तो सॉल्व हो जाए बस, लेकिन ये नहीं कि उसके ऊपर लगे हुए हैं जी और लग करके उसी चैप्टर को करने में लग गए हैं, तब तो वो एक गलत प्लानिंग हो जाएगी, गलत स्ट्रेटेजी हो जाएगी। तो 90 क्वेश्चन आपके पास है, 90 क्वेश्चन में से आप मान के चलेंगे पूरे सिलेबस की तैयारी के हिसाब से 12th के ही आपके 45 क्वेश्चन हो गए, 11th में जितनी मेरे सिलेबस के ऊपर तैयारी उसके हिसाब से 30 क्वेश्चन और हैं जी, तो 75 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल टिप्स पे करना है। उस 75 क्वेश्चन में आपकी स्ट्राइकिंग पावर ऐसे, 75 क्वेश्चन का मतलब क्या 300 मार्क्स, और उस 75 क्वेश्चन में ऐसे स्ट्राइकिंग पावर होना चाहिए कि आप कम से कम 65-70 क्वेश्चन तक बिल्कुल आपके हाथ में आ जाए। यदि आप ये कर लेते तो देखिए मार्क्स कहां नहीं जाता, 250 क्यों नहीं क्रॉस करता। आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, मैंने 75 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल ग्रिप में है, अब मैं 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आ गया, यदि मैं 75 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ गया, अब पता चला यहां पे कि मेरे जो है 70 क्वेश्चन सही हो गए हैं, अब 5 ही क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो आप देखिए कितने मार्क्स आए, 17 × 4 कितना आ गया आपका 280 मार्क्स, 5 क्वेश्चन गलत हुए तो -5 कर दिए, 275 मार्क्स आ गया। देखिए 275 मार्क्स क्यों नहीं अचीव किया जा सकता यदि आप इस कैलकुलेशन को ध्यान में रख के काम करते हैं तो, यदि आप इस कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। सपोज मान लीजिए एक और बात मैं ले लेता हूं, मेरे जो है 75 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, मेरे 65 करेक्ट हुए हैं, 10 गलत हो गए जी, 65 × 4 इट विल बी 260, और 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं, देखिए 250 पे आ गए। आप सोचिए ये कैलकुलेशन देखिए, आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि यदि आपने प्रॉपर प्लानिंग करी है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ काम किया है, तो डेफिनेटली आप जो है, आप अभी यदि बैठे हुए 150 पे, 160 पे, 170 पे, तो आप अपने मार्क्स को 250 प्लस पे ले जा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, 7 दिनों में ले जाया जा सकता है, बसरते बस ध्यान में रखना है जो मैंने आपको थोड़ा प्लानिंग और स्ट्रेटेजी आपको बताया है उसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, और घबराइए मत, जो सिलेबस नहीं हुआ, जो पिछले 2 साल में नहीं हुआ, पिछले साल भर में नहीं हुआ, वो अब 7 दिनों में हो जाएगा, उसको आप छोड़ दीजिए। हाँ, यदि सिलेबस आपका ऐसा है कि भाई कि छोटे क्वेश्चन आ जाए तो हो जाते हैं, बड़े क्वेश्चन आ जाए या टफ क्वेश्चन आ जाए तो नहीं होते हैं, तो फिर वो
कहा जा सकता है कि वो सिलेबस छोटे क्वेश्चन के लिए तो आप कर लीजिए। तो मैं फाइनली एक बार और आपको बता देना चाहता हूँ कि फाइनल मेरा गाइडलाइंस क्या है। आप दिन भर में कम से कम 15 घंटे की पढ़ाई कीजिए। 15 घंटे की पढ़ाई में से 75% टाइम अभी शुरू के 3 दिनों में अप्लाई कीजिए आप क्लास 11th के सिलेबस पे, 25% टाइम अप्लाई कीजिए क्लास 12th के सिलेबस पे। जो क्लास 11th के सिलेबस पे जो फोकस करना है वो आपका मेन उन सिलेबस के ऊपर फोकस कीजिए जिसके ऊपर आपकी अच्छे लेवल का कॉन्फिडेंस है, जो आपके सब्जेक्ट अच्छे ऑलरेडी हैं उसको और उसके ऊपर वर्कआउट करके उसको बेटर एंड बेटर करके उसके उससे मार्क्स एक्सट्रैक्ट करना है हमें। 25% टाइम आपको जो करना है अप्लाई वो आपको करना है क्लास 12th के सिलेबस के जो जेई मेन का उसके ऊपर क्वेश्चन एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस। 25% जो टाइम आपको मैंने बताया राइट, ये अगले 3 दिनों के हिसाब से आप चलें जिसमें कि आप 11th का जो कॉन्फिडेंस वाला सिलेबस है वो आपके ग्रिप में आ गया, क्लास 12th का तो आपका था ही कॉन्फिडेंस हो गया खत्म। अब उसके बाद जो रहेंगे 3 दिन इसमें निकल गया जी, आप हमारे पास 4 दिन रह गए। अब 4 दिन में से 2 दिन केवल प्रैक्टिस कीजिए फुल टेस्ट की, फुल सिलेबस टेस्ट की बार बार प्रैक्टिस करें ताकि दिन भर में कम से कम 3 से 4 पेपर दें। 3-4 पेपर तो बनता ही है, 3 पेपर कम से कम तो 3 पेपर दिया ही जाना चाहिए, वैसे 4 पेपर भी दे सकते हैं। और फिर उसको आप एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस में मेन फोकस ये कीजिए कि जो आपने अटेम्प्ट लिया और उस अटेम्प्ट में जो गलतियां हो गई हैं बस उन गलतियों को रिमूव करने का काम करना है आपको। जो क्वेश्चन उस समय नहीं कर पाए वो छोड़ दीजिए, जो हार्ड ऑब्वियसली बात है हार्ड लगा होगा तभी आपने छोड़ा होगा, लेकिन आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लिया, अटेम्प्ट लेने के बाद पता चला कि मेरे जो है 50 नंबर गलत हो गए, तो वो 50 नंबर क्यों गलत थे उसको एनालिसिस करके उसको ठीक करना है आपको। और फिर लास्ट के 2 दिनों में केवल एंड केवल कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस, थ्योरी पार्ट की प्रैक्टिस, फॉर्मूले की प्रैक्टिस एंड जो और की पॉइंट्स हैं 1-2 दिनों में, जो आपका जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ध्यान में रखना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ध्यान में रखना, फिजिक्स के कई फॉर्मूले उसको याद करना, केमिस्ट्री के फॉर्मूले को याद करना, मैथ्स के फॉर्मूले को याद करना, कॉन्सेप्ट को याद करना, ये आप लास्ट के 2 दिनों में करें जिससे कि वहां पे आपको एक्यूरेटली आपको चीजें ध्यान में आ जाए। तो ये मेरा गाइडलाइंस होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो समझते हैं कि तैयारी मेरी हुई है बट तैयारी अब बहुत ही हाई लेवल पे नहीं है, अप टू मार्क है। मैं कहता हूं कि जो मैंने आप गाइडलाइंस बताई यदि उस गाइडलाइंस के हिसाब से चलते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी तैयारी की आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं राइट। आने वाला सारा दिन अच्छा रहे, आप अच्छे से अच्छे वर्कआउट करें, हेल्थ का जरूर से ध्यान रखें, स्ट्रेस ज्यादा ना लीजिए, स्ट्रेस लेना जरूरी है बट इतना भी स्ट्रेस ना हो कि भाई कि दिमाग पस्त हो गया फिर काम मेरा रह गया जी। दिमाग पस्त होने के बाद क्या होता है, काम ही नहीं हो पाता, ना काम हो पाता है, टाइम की बर्बादी अलग हो जाती है, हेल्थ डाउन चला जाता है, बीमार पड़ जाते हैं। तो ये इतना ज्यादा स्ट्रेस और प्रेशर लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, स्ट्रेस प्रेशर इतना ही होना चाहिए जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस जो है बेटर हो सके। और ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, जेईई मेन का जो एग्जाम है 2 अप्रैल को, उसके लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।